उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिली जीत से समाजवादी पार्टी के नेताओं में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव में दमखम से लड़ने का ऐलान किया है। काशीपुर में समाजवादी पार्टी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत की खुशी को लेकर जश्न मनाया गया और उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। बैठक में पहुंचे समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भारी जीत को लेकर आज काशीपुर के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनता का आभार प्रकट किया गया। अब उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करेगी और बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया जीत हुई है। आज उसी खुशी में मेरे साथ में यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर के छावड़ा जी, जिनके द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया है, साथ में हमारे महासचिव संजय जी हैं, महिला शक्ति हैं, सिद्धू जी हैं, जया जी हैं और पूरे हमारी टीम, पूरे कार्यकर्ता, हमारे संसाद जी बहुत दूर से आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। जो राष्ट्राध्यक्ष जी का एक नारा था पीडीए का, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और जो घमंड था भारतीय जनता पार्टी का, वो चूर चूर हुआ है। और माननीय राष्ट्राध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी भविष्य के देश के प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और संघीय शक्ति सर्वदा, संगठन बढ़िया काम कर रहा है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी आने वाले निकाय चुनाव में और अपने जो विधानसभा चुनाव में, इसमें हम भी अच्छा प्रदर्शन बहुत अच्छा करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।